हेलो बच्चों, आज के वीडियो नंबर 4 जो कि बेस्ड है बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस पर, में हम बात करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। देखिए, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। पहले हम स्टडी करेंगे कि फूड का डाइजेशन फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, और फिर उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है उस पर बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम माउथ से लेकर स्टोमक तक फूड का डाइजेशन किस तरीके से होता है इस पर बात करेंगे। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस डाइजेशन में इस डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी पार्ट का नाम हम लेंगे, या फिर किसी भी सेक्रीशन का हम नाम लेंगे या एंजाइम का हम नाम लेंगे, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए क्यों। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि ये होती है हमारी माउथ कैविटी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि माउथ कैविटी क्यों। इसका आंसर होगा कि जो हम फूड को इंटेक करते हैं वो सबसे पहले माउथ कैविटी में ही इंटेक करते हैं। फिर मैं कहूंगा कि इस माउथ कैविटी में होते हैं टीथ, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए टीथ क्यों होते हैं। तो इसका आंसर है टीथ उस फूड को ग्राइंड करके छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। फिर मैं कहूंगा कि माउथ कैविटी में ग्लैंड्स होती हैं जिनका नाम होता है स्लाइवरी ग्लैंड्स, तो आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आना चाहिए कि स्लाइवरी ग्लैंड्स क्यों होती हैं। तो इसका आंसर यह है कि स्लाइवरी ग्लैंड से एक सेक्रीशन होता है या एक लिक्विड रिलीज होता है जिसका नाम है सलाइवा, जिसको हम हिंदी में लार भी बोलते हैं। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि वो सलाइवा क्यों रिलीज होती है। तो इसका आंसर ये है कि सलाइवा दो फंक्शंस यहां करती है। पहला फंक्शन, तो वो लिक्विड होने की वजह से, थोड़ी चिपचिपी होने की वजह से उस फूड को चिकनाहट, इट मींस लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर देती है, और दूसरा फंक्शन वो ये करती है कि उस लार में या उस सलाइवरी सॉरी उस सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है। वो एंजाइम फूड में प्रेजेंट स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम रोटी को थोड़ी देर तक चबाते रहते हैं मुंह में, तो वो कुछ देर बाद उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा मीठा मीठा सा हो जाता है, वो इसीलिए होता है। अच्छा, यहां एक बात ध्यान रखना कि सारा के सारा स्टार्च तो कन्वर्ट नहीं होता, कुछ अमाउंट स्टार्च का सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इतनी देर में अब क्या होता है कि फूड एक तो लुब्रिकेशन उस पे आ जाता है और दूसरा वो सॉफ्ट हो जाता है। जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो हमारी मस्कुलर टंग उस फूड को पीछे की तरफ पुश कर देती है, जहां से एक पाइप स्टार्ट होती है जो कि माउथ को स्टोमक से कनेक्ट करती है। इसको हम फूड पाइप या ईसोफेगस बोलते हैं। तो ये ईसोफेगस का काम ये है कि जो फूड था उस फूड को माउथ से स्टोमक तक पहुंचाने में हेल्प करती है, ठीक है ना। अच्छा, ये है तो पाइप, लेकिन जो हमारी जनरल पाइप्स होती हैं उनकी तरह से नहीं होती, हालांकि वो भी अंदर से हॉलो होती है और ये भी हॉलो होती है, लेकिन उनका जो हॉलो पार्ट होता है कभी कॉलेप्स नहीं करता, ये कॉलेप्स हो जाता रहता है हमेशा, मतलब पिचका रहता है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब फूड यहां आता है तो उसको आगे पुश करना पड़ता है बार बार, तभी वो स्टोमक तक पहुंचेगा। तो पुश करने का काम करती हैं इस ईसोफेगस की मसल्स। असल में ये ईसोफेगस पूरा मस्कुलर ही होता है, इसमें मसल्स होती हैं और वो उसको फूड को पीछे से पुश करती हैं, फूड आगे पहुंचता है, फिर पुश करती हैं, फिर फूड आगे पहुंचता है। इस तरीके से बार बार पीछे से पुश करके इस फूड को स्टोमक तक पहुंचा दिया जाता है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, सुबह के वक्त जब आप पेस्ट करते हो टूथपेस्ट, तो आप अपनी उंगलियों से उस टूथपेस्ट को पीछे से पुश करते हैं या उसको पिचकाते हैं तो पेस्ट बाहर की तरफ आ जाता है या आगे की तरफ पुश हो जाता है ना। बिल्कुल वैसे ही
ये मूवमेंट होता है। अच्छा, इस मूवमेंट का नाम है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से फूड को आगे पुश किया जाता है। अच्छा, ये जो मूवमेंट है वो केवल ईसोफेगस में ही नहीं होता बल्कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से फूड आगे पुश किया जाता है। वरना आप सोच भी सकते हैं कि अंदर पुश करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए एक इस मूवमेंट का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा जाता है कि एलिमेंट्री कैनल का उस पार्ट का नाम बताइए जिसमें डाइजेशन नहीं होता, तो उसका नाम है ईसोफेगस। ईसोफेगस में किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता है, ये केवल कनेक्ट करता है माउथ से स्टोमक को। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब ये हमारा फूड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से पुश होता हुआ स्टोमक में पहुंच जाता है। स्टोमक में पहुंचने के बाद ये फूड लगभग 2 आवर्स या उससे ज्यादा देर तक यहां रुकता है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों क्यों रुकता है इतनी देर तक। तो इसका आंसर ये है कि यहां पर कुछ एंजाइम्स का, कुछ सेक्रीशंस का, है ना, इस पर, उस फूड पर फंक्शन होता है, उस पर काम होता है ताकि फूड को डाइजेस्ट किया जा सके। अच्छा, इस 3 घंटे में, वो सॉरी, इस इन 2 आवर्स या उससे थोड़ा ज्यादा टाइम तक होता क्या है, तो मैं बताता हूं आपको। जो स्टोमक है, इस स्टोमक की इनर वॉल्स में ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। जैसे हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होती है ना, उसी तरीके से इसमें, इसकी वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं 3 टाइप की, और 3 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, उनसे 3 टाइप का ही सेक्रेशन बाहर आता है। तो पहला सेक्रेशन है HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है उन ग्लैंड से। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए कि HCl एसिड क्यों रिलीज होता है, तो इसका आंसर यह है कि HCl एसिड के 2 फंक्शंस होते हैं यहां पर आकर। पहला, इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, मतलब जो हमने फूड इनटेक किया है उसमें हो सकता है कुछ जर्म्स हो, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस वगैरह, कुछ ना कुछ हो सकता है ना, तो उनको किल करना बहुत जरूरी है वरना वो हमारी बॉडी में पहुंचकर डिसीज भी डेवलप कर सकते हैं। तो इस काम को कौन करता है, HCl एसिड। तो HCl एसिड का फर्स्ट फंक्शन है इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, और दूसरा फंक्शन ये है कि इट प्रोवाइड्स द एसिडिक नेचर टू द फूड सो दैट फर्दर एंजाइम्स कैन वर्क अपॉन इट। इट मींस ये जो फूड इसके अंदर आया है उसको एसिडिक नेचर प्रोवाइड करा देता है ताकि जो आगे आने वाले जो एंजाइम्स हैं उसको डाइजेस्ट कर सके, उस पर काम कर सके। असल में आगे आने वाले जो एंजाइम्स हैं वो तभी काम करते हैं जब फूड का नेचर एसिडिक होता है। तो 2 फंक्शंस हो गए एसिड के। अगला सेक्रीशन है पेप्सिन, ये एक एंजाइम होता है जिसको हम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम बोलते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये इसका काम है कि ये फूड में प्रोटीन होता है इसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है, पेप्सिन। आप इसको याद भी रख सकते हो, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेप्सिन। लास्ट, स्टोमक के अंदर जो सेक्रीशन होता है उसका नाम है म्यूकस। देखिए, म्यूकस फूड को डाइजेस्ट कराने में कोई हेल्प तो नहीं करता, लेकिन वो उस HCl एसिड के रिलीज होने से जो स्टोमक की वॉल्स को नुकसान हो सकता है ना, या उसमें जख्म हो सकते हैं जिनको हम अल्सर्स बोलते हैं, से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो हम कह सकते हैं म्यूकस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द सीक्रेशन ऑफ HCl एसिड, या इट प्रोटेक्ट्स द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द HCl एसिड। ठीक है, तो देखिए हमने इसको स्टडी कर लिया माउथ से लेके स्टोमक तक फूड के डाइजेशन को। एक बार और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं।
देखिए, इस फूड हमारे माउथ में आता है, माउथ कैविटी में, वहां पर टीथ होते हैं जो कि उसको स्मॉल पार्ट्स में ग्राइंड कर देते हैं। फिर वहां सलाइवा सीक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से, और वो उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर देता है फूड को, और फूड में प्रेजेंट स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में, जो इस काम को करने वाले एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। फिर हमारी टंग उसको पुश कर देती है ईसोफेगस में, ईसोफेगस में एक मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि पुश करके उस फूड को स्टोमक तक ले आता है। स्टोमक में की वॉल्स में, स्टोमक की इनर वॉल्स में थ्री टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। तो इससे थ्री टाइप के सेक्रीशंस बाहर आते हैं। पहला एसीएल एसिड, एसीएल एसिड के दो फंक्शंस होते हैं, पहला इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, दूसरा इट प्रोवाइड्स द एसिडिक नेचर टू द फूड सो दैट फर्दर एंजाइम्स कैन वर्क अपॉन इट। फिर आता है म्यूकस, म्यूकस का काम होता है इट प्रोटेक्ट्स द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसीएल एसिड, है ना। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां डाइजेशन कैसे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।